हेलो दोस्तों, हम आ गए कोचिंग सेंटर में जिस कोचिंग का नाम है टाइम टू कैरियर। इस कोचिंग में क्लास 7th और 8th के बच्चे हैं। इनसे हम आज जीके टेस्ट करेंगे। जो बच्चा इसमें से फर्स्ट और सेकंड आएगा उसको हम रिवार्ड देंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? ठीक है सर, इधर आइए। आपका नाम? अभिषेक जायसवाल, श्रीमती अभिषेक जायसवाल। आपका आंसर क्या है सर? द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर है। इनका नाम लिस्ट में ले लिया जाए टॉप 5 में। ठीक है बच्चे, आप बैठ जाओ। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सर, एक बच्चे ने हाथ उठाया सबसे पहले, खड़े हो जाओ। आपका नाम? अंकित। अंकित। आपका उत्तर? राजस्थान। राजस्थान। सर आंसर सही है, इसको लॉक कर दिया जाए। इनका भी टॉप 5 में नाम ले लिया जाए। बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? हाँ, सभी लोग सोच के बताना, क्योंकि गलत उत्तर मिलने पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप बताइए। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। सर इनका उत्तर सही है, आप फिर से जीत गए। बैठ जाइए, आप टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। अगर आप ना भी बताते तो भी आप टॉप 5 में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? हाँ, सबसे पहले इस लड़की ने हाथ उठाया है। हाँ, खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह। आपका उत्तर? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। सर इनका भी उत्तर सही है, इनको टॉप 5 में ले लिया जाए। बैठ जाइए। हमें 3 लोग टॉप 5 में मिल चुके हैं, हमें 2 लोग और चाहिए। ठीक है, सभी लोग हाथ उठाना जिसको पता होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे पहले इस बच्चे ने हाथ उठाया। सर इधर देखिए। हाँ बच्ची, आपका नाम? अनिल मौर्या। अनिल मौर्या। आपका उत्तर? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 1000। नहीं, आपका उत्तर गलत होता है। आप एग्जाम क्विज से बाहर जाते हैं। बैठ जाइए, उसके बाद कौन उठा था? हाँ, आप उठाए, खड़े हो जाओ। सर इधर देखिए। आपका नाम? प्रियांशु प्रियांशु पाल पाल पाल। आपका उत्तर? 30,000। 10,000। आपका भी उत्तर गलत होता हुआ, आप एग्जाम से बाहर। सर अगला आप बताओ, खड़े हो जाओ, आप बताइए। आपका नाम? कीर्ति कीर्ति मौर्य। मारे खुशी, खुशी मौर्य। ठीक है, आपका उत्तर? चाओ। 100। सर राइट आंसर है, इनको अभी टॉप 5 में ले लिया जाए। टॉप 5 में 4 लोग मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से लेके 10 तक में कितने एक आते हैं? 1 से लेकर के 10 तक में कितनी बार एक आता है? सभी लोग सोचो और जल्दी से बताओ। इधर सर, इस बच्चे को। आपका नाम? अभय कुमार पाल। अभय कुमार पाल। आपका उत्तर? 2। 2 बार 1। तो सही है, आपका उत्तर एकदम सही है। आप बैठ जाइए, आप भी जाते हैं टॉप 5। तो हमारे पास टॉप 5 के बच्चे आ चुके हैं। हम उन सभी बच्चों को आगे बैठाएंगे और बाकी बच्चों को पीछे करेंगे। अब उनसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें से हमें केवल फर्स्ट और सेकंड बच्चे चाहिए, मतलब टॉप 1 और टॉप 2 के बच्चे चाहिए। ये हमारे पांचों बच्चे टॉप 5 में आ चुके हैं। इधर देखिए, ये सभी पांचों बच्चे टॉप 5 में आ चुके हैं, इनसे हम प्रश्न करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, टॉप 5 का 2 अंकों वाली सबसे छोटा वर्ग संख्या कौन सा होता है? सबसे पहले सर इस बच्चे ने हाथ उठाया, आप बताइए अपना आंसर। 16। 16। करेक्ट आंसर, इस बच्चे ने सही आंसर दिया, ये टॉप 3 में जाता हुआ। बैठ जाओ बच्चे। अगला टॉप 5 का मेरा क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की एक तरफ की टीम में, यानी वन वन तरफ की टीम में कितने कितने प्लेयर होते हैं? एक तरफ के टीम में कितने प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में? सबसे पहले इस बच्चे ने हाथ उठाया था। सर इधर आइए। हाँ, आप बताइए। 5।
आपका आंसर सही होता हुआ आप टॉप थ्री में जा चुकी हैं। हमें टॉप थ्री के दो बच्चे मिल चुके हैं, एक बच्चे और चाहिए। अब देखते हैं एक बच्चा कौन आंसर देता है। अगला क्वेश्चन है टॉप फाइव के बच्चों के लिए, बिहार की राजधानी कहाँ पे है? बिहार की राजधानी कहाँ पर है? ठीक है, हमें इस बच्ची ने हाथ उठाया है, आप खड़े हो जाओ। आपका नाम? खुशी मौर्या पटना। मौर्या। आपका उत्तर? अच्छा पटना। आपका उत्तर सही होता हुआ आप बैठ जाइए, आप लोग टॉप थ्री में हो गए हो। आप दोनों लोग पीछे जाइए, सर हमारे टॉप थ्री के बच्चे मिल चुके हैं, यहाँ पे बैठे हैं तीनों लोग। इधर देखिए, तीन लोग टॉप थ्री में मिल चुके हैं। क्वेश्चन है टॉप थ्री के लिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब पहले इस बच्ची नाट रहे, इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आपका उत्तर सही होता हुआ आप टॉप फर्स्ट में यानी पहला स्थान पाइए, बैठ जाइए। मेरा अगला प्रश्न है टॉप सेकेंड और थर्ड के बच्चों के लिए, अगर ये बच्चे नहीं बता पाते हैं तो आप सभी को भी मौका मिलेगा, आप सभी लोग भी टॉप सेकेंड में आ सकते हैं, राइट। तो मेरा अगला प्रश्न है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले इस बच्चे ने हाथ उठाया, सर खड़े हो जाओ। हाँ बच्चे, आपका उत्तर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सही उत्तर है, आप जाते हैं टॉप सेकेंड में, हमें टॉप सेकेंड के दो बच्चे मिल चुके हैं, आप इधर आइए। आप सभी लोग, हमें टॉप सेकेंड के बच्चे मिल चुके हैं, अब हम इन्हें रिवार्ड देंगे। चलिए सर हम इनको रिवार्ड देते हैं, आज के लिए ये छोटा सा रिवार्ड इन बच्चों के लिए, इस बच्चे ने टॉप फर्स्ट में आया है और ये बच्चा सेकेंड में आया है। फर्स्ट में हमारा बच्चा आ चुका है, बच्चे खड़े हो जाओ। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? लक्ष्मी सिंह लक्ष्मी सिंह। कौन सी क्लास का? एट। क्लास एट की बच्ची ने टॉप फर्स्ट किया है, इसको हम रिवार्ड देंगे और ये रिवार्ड इस बच्ची को जाता है। थैंक यू बच्चे, बैठ जाओ। अगला रिवार्ड आपके लिए, आपका नाम? प्रियांशु पाल प्रियांशु पाल। कौन सी क्लास? फिफ्थ बी। क्लास फिफ्थ। ये क्लास फिफ्थ का बच्चा है जिसने सेकेंड नंबर पे आया है, आपको ये पेन गिफ्ट में मिलता हुआ, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम, बैठ जाओ। ऐसे सभी लोग मेहनत करते रहो और सभी लोग कोशिश करो कि हमेशा सबसे आगे रहो, ठीक है। थैंक यू। एग्जाम क्विज टेक, इस पे आपको अमेजिंग अमेजिंग वीडियो जीके के मिलते रहेंगे। धन्यवाद।